हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको सैर कराता हूँ माया नगरी मुंबई का। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, और ये है मुंबई शहर। तो दोस्तों, सुबह सुबह मॉर्निंग में हम यहाँ मरीन ड्राइव की सैर करने आए। तो ये मरीन ड्राइव से थोड़ा सा पहले का सीन है, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी हैवीली कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है सी फेसिंग एरिया में। और यहाँ पर ये ऊंची ऊंची बिल्डिंग, ये बिल्कुल समुंदर के सामने, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। तो हम अभी मॉर्निंग में आए हैं यहाँ पर मरीन ड्राइव, और ये देखिए यहाँ पर आगे आगे ले जाओ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कितनी भीड़ है, और यहाँ लोग सुबह सुबह मॉर्निंग में आगे आगे को दिखाइए, सुबह सुबह मॉर्निंग में सारे लोग आते हैं रिलैक्स करने के लिए, और कई लोग जो है सिर्फ बैठते हैं। कई स्पोर्ट्स क्लब या आर्मी वाले आए हैं आज, तो बहुत सारे। अर्ली मॉर्निंग जो है अच्छा, ऊपर चढ़ के दिखाइए। दिस इज मरीन ड्राइव, जो आपने अभी बहुत सारी जगह उसमें देखते हैं आप लोग। बहुत सारे ग्रुप जो है वो यहाँ पर एक्सरसाइज करते हैं, और कम्युनिटी सी बन जाती है यहाँ पर जो है। काफ़ी लोग बाहर से आते हैं तो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। तो आप देख सकते हैं, दिखाइए इन्हें। बहुत ही खूबसूरत दृश्य मरीन ड्राइव का। और दोस्तों, आज भी हम बहुत अर्ली मॉर्निंग उठे हैं, ताकि क्योंकि हम दिन भर बहुत बिजी रहते हैं, तो लेकिन सुबह 5 बजे उठकर अभी जो है इस वक्त 7 बज रहे हैं, और अर्ली मॉर्निंग आकर यहाँ मरीन ड्राइव का आनंद उठा रहे हैं। आप देख सकते हैं मुंबई के सबसे पॉश इलाकों में से एक है, और आप देख सकते हैं एक्सरसाइज करते रहते लोग, कई योगा करने आते हैं, कई जो है सिर्फ वॉक करने आते हैं। तो हम भी ऑलमोस्ट जो है 3 किलोमीटर से ज़्यादा वॉक कर चुके हैं, और अभी लगभग थोड़ा हम 1.5 किलोमीटर और वॉक करेंगे, फिर उसके बाद वाइंड अप करेंगे। बहुत ही पीसफुल एनवायरनमेंट रहता है मरीन ड्राइव का, और जो शांति और सुकून यहाँ पर मिलता है दोस्तों, कभी भी आप मुंबई आएँ तो सुबह या इवनिंग की मरीन ड्राइव जो है वो ज़रूर करें। मरीन ड्राइव में यहाँ पर वॉक करें। यहाँ पर लोग अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, कोई यहाँ पर फ़न करने आता है, कोई सुकून की तलाश में बस सागर को निहारता रहता है। कई लोग अपने बच्चों के साथ, देखिए ये खूबसूरत कपल अपने छोटे से बेबी और छोटे साइकिल राइडर के साथ। हेलो बेटा, से हेलो। हेलो, तो देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी खुशियाँ, बहुत सारी चीज़ें। कई लोग जो है टूरिस्ट भी यहाँ पर हैं, तो कई लोग जो है अपने दिन भर की चर्चाएँ यहाँ करते हैं। कई लोग फिटनेस फ्रीक जो है वो फिटनेस, कई लोग जस्ट सुकून की तलाश में यहाँ पर आते हैं। तो दोस्तों, ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, और सच ए ब्यूटीफुल सीन। ये व्यक्ति यहाँ पर जो है अपने छोटे से पप के साथ आया है, और जो स्ट्रे डॉग्स हैं 3-4, तो ये शायद एक्वेंटेंट है ऑलरेडी। ये देखिए कि जो है बिल्कुल इसको पहचानते हैं, ये रोज़ यहाँ पर आता है और रोज़ इन स्ट्रे डॉग के साथ जो है रोज़ मिलता है। तो देखिए ये बिल्कुल जो है कैसे इसको निहार रहे हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। ज़िंदगी की रफ़्तार जो है बहुत तेज़ है, हर दिन ऐसे निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता। इस बीच हम कहीं ना कहीं इतने बिज़ी हो जाते हैं कि अपने लिए शायद वक्त निकालना भूल जाते हैं। तो कई दफ़ा ये सुकून जिसकी तलाश में हम यूं ही भटकते रहते हैं, तो कई दफ़ा ये सुकून हमारे आसपास रहता है लेकिन हम बस पहचान नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, ये सही में एक वर्थ विज़िट प्लेस है, और यहाँ पर आने का जो सुकून मिला है
और जो यहाँ नज़ारा है उसने दिल को काफ़ी सुकून प्रदान किया, तसल्ली प्रदान की। तो अगर आप भी कभी मरीन ड्राइव में आएँ, यहाँ पर मुंबई आएँ, तो ये लुफ्त ज़रूर उठाएँ और इसका आनंद ज़रूर लें, क्योंकि ज़िंदगी की रफ़्तार तो चलती ही रहेगी, लेकिन हमारे और तुम्हारे बीच जो ये गुफ्तगू है, शायद ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो ये बातें, ये यारियाँ, ये दोस्ती और चाहे कोई भी बातें हैं, ये ज़िंदगी का हिस्सा है, ज़िंदगी का हिस्सा ही रहेगी। और परिंदों की तरह हम भी कभी ना कभी एक जगह से दूसरी जगह उड़ चलेंगे, हमारी यारियों के किस्से कभी ना ख़त्म होंगे, और जितनी भी बातें हैं हमारे आसपास वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि कुछ भी हो, ये रफ्तार नहीं थमनी चाहिए, ये ज़िंदगी नहीं रुकनी चाहिए, और ये इसी तरह सिलसिला जारी रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये यहाँ पे आने का जो अवसर है वो बहुत ही शानदार था, यहाँ पर ये ब्लॉग बनाया है। अगर आपको पसंद आया हो तो डेफ़िनेटली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हर एक जगह एक कहानी बयां करती है, हर एक जगह कुछ ना कुछ बातें सिखाती है। और शायद ये भी जो है छोटा सा ब्लॉग है, काफ़ी लोगों को प्रभावित करेगा और काफ़ी लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। मेरे तरफ से जो ये बातें कही गई है और जो ये दृश्य फिल्माए गए हैं वो एक कहानी से कम नहीं है। वो हो सकता है मेरी और आपकी कहानी ना हो, हो सकता है आपकी जस इस मुस्कराहट की वजह से मेरी भी मुस्कराहट निकल आए, हो सकता है आपके इस सुकून की वजह से किसी को तसल्ली मिलती हो सकता है आपके इस नजराने की वजह से किसी को तसल्ली मिलती हो। तो ये मरीन ड्राइव का जो है दृश्य, आज जो है मौसम थोड़ा सा एकदम हल्का सा, उतना क्लीन नहीं है, लेकिन बहुत ही बॉडी से शानदार है। और यहाँ पर जो है ये वाला व्यू दिखाइए, और ये बिल्डिंग दिखाइए, ये जो है इंडिया की बिल्डिंग है, यहाँ पे ये टाटा के अंदर आने वाली है। जिंदगी में थोड़ा सा फन भी जरूरी है। एक नंबर सर। आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आइए दोस्तों, और ये सीन आप गर्लफ्रेंड के साथ शूट कर सकते हैं। अब हम दिखाते हैं आपको यहाँ पर पुशअप चैलेंज जो हमने मरीन ड्राइव पर किया है। तो दोस्तों, ये मेरा जूनियर है जो मुझसे ज्यादा यंग है, ज्यादा पावरफुल है। अब हमारी तो उम्र हो चुकी है, तो अब इतना दम नहीं रहा कि इन युवाओं को हरा सकें। ये युवा जो है ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा जो है पावरफुल है, यंग है, लेकिन फिर भी जो है चचा ने पूरा कंपटीशन दिया है, और चचा जो है एटलीस्ट 40 पुशअप करने में जो है कामयाब रहे हैं। तो दोस्तों, बहुत ही मस्ती की है, बहुत ज़्यादा फन किया है। तो ये ब्लॉग हमेशा यहाँ पर रहेगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया भी नहीं तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, ताकि मुझे कम से कम पता तो चले कि जो है मैंने जो है किस टाइप का जो है ये ब्लॉग बनाया है। दोस्तों, हमने बहुत फन किया, बहुत मस्ती की, और आपसे विदा चाहता हूँ। अगले नए ब्लॉग के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस।